डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे विक्रम और बेताल, इसका टीवी शो भी बन चुका है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। और हमेशा ही बेताल कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो साधारण आदमी की बस की बात नहीं होता है, उन लोग समझ नहीं पाता है, लेकिन हमेशा ही उसका जवाब विक्रम देता है और वो बिल्कुल सही जवाब देता है। तो आज की इसी तरह का कहानी है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर है। यह चैप्टर 16 है और यह क्लास 5 का इंग्लिश बुक है। चैप्टर का नाम है राइट डिसीजन। राइट डिसीजन का अर्थ होता है सही फैसला। तो इसमें क्या कहानी दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। किंग विक्रम क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री, ही स्लंग वेताल ऑन हिज शोल्डर, ही क्लाइम्ड डाउन एंड स्टार्टेड हिज जर्नी। विक्रम वॉक्ड ए फ्यू स्टेप्स, बेताल सेड टू हिम, आई विल टेल यू ए स्टोरी टू पास योर टाइम, बट यू मस्ट नॉट स्पीक एट ऑल। इफ यू स्पीक आई विल फ्लाई बैक टू द बनियान ट्री। किंग विक्रम डिड नॉट स्पीक, बेताल टोल्ड दिस स्टोरी। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने पढ़ा है, अब इसके बारे में मैं बतला रहा हूँ कि राजा विक्रम बरगद के पेड़ पर चढ़ गए, उसने बेताल को अपने कंधे में लटका लिया, वह नीचे उतर गया और अपनी यात्रा आरंभ कर दिया। विक्रम कुछ ही कदम चला था, बेताल ने उससे कहा, मैं आपके टाइम पास के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलना है, यदि आप बोलते हैं तो मैं वापस बरगद के पेड़ पर चला जाऊँगा। विक्रम चुप रहे, बेताल ने यह कहानी सुनाई। तो क्या स्टोरी सुनाता है, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ से स्टोरी शुरू हुआ है। देयर वॉज ए किंगडम नेम्ड विजयपुरी, इट वॉज रूल्ड बाय ए वेरी ड्यूटिफुल किंग शिवसेन, ही हैड ए ब्यूटिफुल क्वीन इंद्रावती, बट द कपल हैड नो चाइल्ड फॉर मेनी ईयर्स, दे परफॉर्म्ड ए लॉट ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स फॉर ए चाइल्ड। क्वीन इंद्रावती गेव बर्थ टू ए गर्ल, द चाइल्ड वॉज नेम्ड सूर्यमुखी। यहाँ कहानी इस तरह से है, विजयपुरी नाम का एक राज्य था, यह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शासक शिवसेन द्वारा शासित था, मतलब शिवसेन वहाँ के एक कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। उसकी रानी इंद्रावती बहुत सुंदर थी, लेकिन इस दंपति का कई वर्षों से कोई भी बच्चा नहीं था। उन्होंने बच्चे के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए। रानी इंद्रावती ने एक बच्ची को जन्म दिया, बच्ची का नाम सूर्यमुखी रखा गया। सूर्यमुखी वाज ब्राउट अप विथ ग्रेट अटेंशन, देर वेयर मेनी वॉरियर्स टू ट्रेन हर, शी लर्न ऑल द वारफेयर टेक्निक्स, शी वॉज एबल टू हैंडल मेनी वेपन्स, शी वॉज वेरी स्किल्ड इन यूजिंग सॉर्ड, एट द एज ऑफ 18 सी ग्रेव इन टू ए ब्यूटिफुल मैडन। सूर्यमुखी को बहुत ध्यानपूर्वक पाला गया, उसके प्रशिक्षण के लिए कई योद्धा थे, वह सभी युद्ध तकनीकों को सीखी, वह कई हथियारों को चलाना सीख गई, वह तलवार चलाने में बहुत कुशल थी, वह 18 वर्ष की उम्र में एक सुंदर युवती के रूप में बढ़ गई। आगे देखते हैं हम लोग। द किंग एंड द क्वीन वेर वेरी हैप्पी टू गेट सच ए डाउटर, सी हैड ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड रूलर, सी वॉज वेल एजुकेटेड, सी वॉज ए स्किल्ड वॉरियर, सी वॉज बोथ ब्रेव एंड काइंड। द किंग एंड द क्वीन वॉन्टेड टू मेक सूर्यमुखी द रूलर ऑफ विजयपुरी। राजा और रानी ऐसी बेटी पाकर बहुत खुश हुए, उसमें अच्छे शासक बनने के सभी आवश्यक गुण था, वह अच्छी तरह शिक्षित थी और एक कुशल योद्धा भी थी, वह बहादुर और दयालु दोनों थी। राजा और रानी सूर्यमुखी को विजयपुरी का शासक बनाना चाहते थे। ऑन द फुल मून डे सूर्यमुखी वाज क्राउंड एज द रूलर ऑफ द किंगडम, सी वाज वेरी पावरफुल, सी स्टार्टेड टेक्निकल एजुकेशन फॉर द यंग, सी मेड अरेंजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपुल, सी अरेंज इरीगेशन फैसिलिटी फॉर फार्मर्स, द पुअर एंड द नीडी पीपुल वर प्रोवाइडेड शेल्टर एंड फूड, ए ग्रेट नंबर ऑफ टीचर्स वर एम्प्लॉयड टू एजुकेट चिल्ड्रेन, विजयपुरी टच द न्यू हाइट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इन हर रैंग। यहाँ पे आगे बतला रहा है कि पूर्णिमा के दिन सूर्यमुखी को राज्य के शासक के रूप में ताज पहनाया गया, वह बहुत शक्तिशाली थी, वह युवकों के लिए तकनीकी शिक्षा आरंभ की, उसने लोगों के रोजगार की व्यवस्था की, उसने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आश्रय और भोजन प्रदान की, बच्चों को शिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को लगाया गया। विजयपुरी ने अपने शासनकाल में समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब इसके आगे है, क्वीन इंद्रावती आस्क्ड सूर्यमुखी अबाउट हर मैरिज, सूर्यमुखी सेड
I shall marry the man who will defeat me in a duel using swords. It was announced everywhere. Many princes and kings came to Vijaypuri. Some common men also came to win her hand in marriage. Every day, Suryamukhi fought with a warrior. No one was able to defeat her. आगे दिया हुआ यहाँ पे, रानी इंद्रावती ने सूर्यमुखी से उसकी शादी के बारे में पूछा। सूर्यमुखी ने कहा, मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगी जो तलवारबाजी की द्वंद में मुझे हरा देगा। इसकी घोषणा हर जगह की गई। विजयपुरी में कई राजकुमार और राजा आए। कुछ आम लोग भी उसे जीत कर शादी करने की इच्छा से आए। हर दिन सूर्यमुखी एक योद्धा के साथ लड़ी, कोई उसे हरा नहीं पाया। जयंत वॉज द प्रिंस ऑफ क्रांतिपुर, ही ऑल्सो हियर द चैलेंज। ही ड्रेस्ड अप एज ए स्पेक्टर एंड वेंट टू द एरेना। ही वॉज द टैक्टिक्स ऑफ सूर्यमुखी। ही वुड अपलाउड लाउडली वैन सी वुड विन। दिस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ सूर्यमुखी टूवर्ड्स हिम। यहाँ पे बता रहा है कि जयंत क्रांतिपुर के राजकुमार थे, उसने भी चुनौती सुनी। वह एक दर्शक के रूप वाले कपड़े में अखाड़े में आ गया। वह सूर्यमुखी की रणनीति को देखा। वह जोर से तालियां बजाया जब वह जीत गई। इससे सूर्यमुखी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तलवारबाजी हो रही है जो कि इसको कोई हरा सके। तो आगे देखते हैं क्या कहानी दिया हुआ है। जयंत रिटर्न टू हिज स्टेट एंड प्रैक्टिस्ड वेल। ही ड्रेस्ड अप एज ए प्रिंस एंड वेंट फॉर द ड्यूल। सूर्यमुखी रिकॉग्नाइज्ड हिम इंस्टेंटली। द ड्यूल लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जयंत वॉज एबल टू डिफीट सूर्यमुखी। यहाँ पे आगे बतला रहा है कि जयंत अपने राज्य में वापस लौट आया और ठीक से अभ्यास किया। वह एक राजकुमार के रूप में ड्रेसअप करके द्वंद युद्ध में चला गया। सूर्यमुखी ने उसे तुरंत पहचान लिया। द्वंद लंबे समय तक चला। जयंत सूर्यमुखी को हराने में सफल हुआ। अब यहाँ पे जयंत जो है वो राजकुमारी को हरा देता है। फिर आगे क्या है, किंग शिवसेन वॉज वेरी हैप्पी। प्रिंस जयंत हैड डिफीटेड हर डाउटर सूर्यमुखी। किंग शिवसेन वेंट टू सूर्यमुखी एंड सेड, आर यू रेडी फॉर द मैरिज। प्रिंस जयंत इज द मोस्ट सुटेबल मैच फॉर यू। अब यहाँ पे आगे राजा शिवसेन बहुत खुश हुए। राजकुमार जयंत ने उसकी बेटी को हराया था। राजा शिवसेन सूर्यमुखी के पास गए और बोले, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? राजकुमार जयंत तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है। सूर्यमुखी रिप्लाइड, सॉरी फादर, आई कैन नॉट मैरी प्रिंस जयंत। किंग शिवसेन वॉज एटोनिस्ट एट सूर्यमुखीज रिप्लाई। ही कुड नॉट अटर एनी वर्ड। मीन वाइल जयंत आस्ट सूर्यमुखी, बट वाई? आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज एंड डिफीटेड यू। सूर्यमुखी सेड, इट इज़ राइट दैट यू हैव डिफीटेड मी, बट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू मैरी यू। यू नो द रीजन वेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्यमुखी ने उत्तर दिया, क्षमा करे पिताश्री, मैं राजकुमार जयंत से शादी नहीं कर सकती। सूर्यमुखी के जवाब पर राजा शिवसेन हैरान रह गए, वह कुछ बोल नहीं सके। इसी बीच जयंत ने सूर्यमुखी से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने आपकी चुनौती स्वीकार कर आपको हरा दिया। सूर्यमुखी बोली, यह सही है कि आपने मुझे हरा दिया, लेकिन आपसे शादी करना कानून के खिलाफ है। आप इसका कारण अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ पे कहानी कुछ ट्विस्ट पकड़ रहा है, तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे बता रहा है कि रीजन क्या है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रिंस जयंत बॉट हिज हेड। ही पेड हिज ग्रेट रेस्पेक्ट टू सूर्यमुखी। ही सेड, ब्लेस मी। सूर्यमुखी सेड, आई विश यू मोर सक्सेस इन दिस फील्ड। प्रिंस जयंत रिटर्न टू हिज स्टेट। आगे यहाँ पे है, राजकुमार जयंत ने सिर झुका लिया। उसने राजकुमारी सूर्यमुखी को बहुत सम्मान दिया और कहा, मुझे आशीर्वाद दें। सूर्यमुखी बोली, मेरी यही इच्छा है कि आप इस क्षेत्र में और अधिक सफल हों। राजकुमार जयंत अपने राज वापस लौट गए। और यहाँ पे बेताल की कहानी कंप्लीट हो जाती है। बेताल कंप्लीटेड हिज स्टोरी। बेताल आस्क्ड किंग विक्रम, वाज इट नॉट अनफेयर टू रिजेक्ट प्रिंस जयंत? व्हाई डिड जयंत पे हिज रेस्पेक्ट टू सूर्यमुखी? व्हाई डिड सूर्यमुखी विश हिम गुड? अब यहाँ पे है, बेताल की कहानी पूरी हो गई। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, क्या राजकुमार जयंत को अस्वीकार करना उचित था? जयंत ने सूर्यमुखी को क्यों सम्मान दिया? सूर्यमुखी ने उसे क्यों आशीर्वाद दिया? बेताल सेड टू किंग विक्रम, आई नो वेल दैट यू नो द राइट आंसर्स टू माई क्वेश्चंस। इफ यू डू नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, योर हेड विल ब्रस्ट इन टू पीसेज। बेताल
राजा विक्रम से कह रहा है, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मेरे सवालों के सही जवाब जानते हैं। यदि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। किंग विक्रम थॉट फॉर ए मोमेंट एंड रिप्लाइड, इट वॉज नॉट अनफेयर टू रिजेक्ट प्रिंस जयंत। ही हैड लर्न्ड द टैक्टिक्स फ्रॉम सूर्यमुखी सिटिंग इन द एरिना फॉर मेनी डेज। इन दिस वे सूर्यमुखी बिकेम हर टीचर एंड ही बिकेम हर डिसिपल। द मैरिज बिटवीन द टीचर एंड द पुपिल इज अगेंस्ट द लॉ, सो द रिजेक्ट हिम। जयंत वॉज इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। राजा ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, प्रिंस जयंत को अस्वीकार करना अनुचित नहीं था। उसने कई दिनों तक अखाड़े में बैठकर सूर्यमुखी से रणनीति सीखा। इस तरह से सूर्यमुखी उसका शिक्षक बन गई, गुरु बन गई और वह उसका शिष्य बन गया। शिक्षक और शिष्य में शादी होना कानून के खिलाफ है, इसीलिए उसने अस्वीकार कर दिया। जयंत बुद्धिमान था। अब यहाँ पे आगे है, ही अंडरस्टूड द मैटर। सूर्यमुखी हैड रिकोगनाइज हिम वैन ही वॉज अपलॉडिंग लॉर्डली एज ए स्पेक्टर। ही हैड लर्न ऑल टैक्टिक्स वॉचिंग सूर्यमुखी, सो सी वॉज हिज टीचर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए डिसिपल टू रेस्पेक्ट हिज टीचर। इन रिटर्न सूर्यमुखी ब्लेस्ड जयंत एज ए टीचर डज। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, वह इस बात को समझ गया, वो जयंत जो है इस बात को समझ गया। सूर्यमुखी उसे पहचान ली थी जब वह दर्शक के रूप में जोर से ताली बजाया था। वह सूर्यमुखी को देखकर सभी रणनीतियाँ सीखा था, इसलिए वह उसका गुरु हो गई। अपने गुरु का सम्मान करना एक शिष्य का कर्तव्य होता है। बदले में सूर्यमुखी ने एक गुरु के रूप में उसे आशीर्वाद दिया। बेताल सेड, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर आंसर। यू आर ए वाइज मैन, यू हैव स्पोकन, सो आई एम गोइंग बैक। द बेताल फ्लेव बैक टू द बनियान ट्री। बेताल ने कहा, मैं आपके उत्तर से प्रभावित हूँ, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपने बोला इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। बेताल बरगद के पेड़ की ओर वापस उड़ गया। और यहाँ पे इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाता है। और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ये वर्ड मीनिंग दिया हुआ है इस चैप्टर का और इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चंस। और टू नंबर में हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि सही गलत का चिन्ह लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 4 सूटेबल वर्ड्स सूटेबल वर्ब से इसको भरना है। यहाँ पे इसका कई सारा वर्ड दिया हुआ है जो कि चूज करके भरना है। और इसमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच द स्पोर्ट्स विद द इक्विपमेंट्स, खेल का नाम दिया हुआ है और उसके सामान के साथ इसको मैच करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है जहाँ पे सूटेबल वर्ड को चुनकर भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जिसमें ये रेड कलर का जो वर्ड्स दिख रहा है उसको इसके साथ मिलाना है, जैसे कि फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो गया, इस तरह से संभवतः इसमें और क्वेश्चन ना हो। ये क्वेश्चन 7 का हाफ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इन सब का आंसर बना के दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाई डिड किंग शिवसेन परफॉर्म राइट्स एंड रिचुअल्स। दे परफॉर्म्ड ए लॉट ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स फॉर ए चाइल्ड। व्हाट डिड सूर्यमुखी लर्न। शी लर्न ऑल द वारफेयर टेक्निक्स, शी वॉज वेरी स्किल्ड इन यूजिंग सॉर्ड। हाउ डिड विजयपुरी टच न्यू हाइट्स। सूर्यमुखी स्टार्टेड मेनी प्रोग्रेसिव वर्क्स आफ्टर बिकमिंग ए रूलर, दस विजयपुरी टच द न्यू हाइट्स इन हर रेन। वॉट वॉज सूर्यमुखी कंडीशन फॉर मैरिज। हर कंडीशन वॉज दैट सी वुड मैरी द मैन हु वुड डिफीट हर इन द ड्यूएल यूजिंग शॉट्स। वाई वॉज प्रिंस जयंत एबल टू डिफीट सूर्यमुखी। प्रिंस जयंत हैड लर्न द ऑल टैक्टिक्स फ्रॉम सूर्यमुखी सिटिंग इन द एरिना फॉर मेनी डेज, देयरफॉर ही वॉज एबल टू डिफीट सूर्यमुखी। हु पेड रेस्पेक्ट टू सूर्यमुखी। प्रिंस जयंत पेड रेस्पेक्ट टू सूर्यमुखी। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड टू हुम, इसमें इसका आंसर जो दिया हुआ है यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3, सही गलत का निशान लगाने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे सही गलत का निशान लगा दिया गया है, ये इसका आंसर है, इसको देखकर आप अपने बुक में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूटेबल वर्ब के साथ इसको भरने के लिए कहा गया था जो कि चूज करके भरना था, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्पोर्ट्स और उसके इक्विपमेंट्स को मैच करने के लिए कहा गया था, ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6,
सूटेबल वर्ड्स को चुन करके भरने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है 6 नंबर का, इसको देखकर आप अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया हुआ है फ्रेंडशिप सनलाइट, इस तरह से ये वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, न्यू वर्ड बनाया गया है। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।